दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई जगह बारिश के आसार, तो केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं, मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 38.4 डिग्री, मध्य प्रदेश के मंडला में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बरसात और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मंगलवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना। कल और बुधवार को दक्षिणी कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश संभव। तमिलनाडु और पुडुचेरी में दो दिन कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का अनुमान। कल तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हो सकती है तेज वर्षा। केरल में दो दिन और लक्षद्वीप में कल छिटपुट हिस्सों में जोरदार बरसात के आसार। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। दो दिन ओडिशा और कल झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। कल गुजरात, विदर्भ और दो दिन कोंकण, गोवा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में बरसात होगी, इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बरसात देखी जा सकती है। दक्षिण भारत में भी बरसात होने की संभावना है। दो दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। मंगलवार और बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिन बारिश के आसार नहीं है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में कल इक्का दुक्का स्थानों में वर्षा के आसार है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर दो दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में दो दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दो दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में दो दिन गिनी चुनी जगह बादल बरसेंगे। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दो दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में दो दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है। और ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कुछ जगह बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ एक इलाकों में पानी बरसा तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई।
आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गिने चुने इलाकों में वर्षा हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर बादल बरसे, ओडिशा और बिहार के भी कुछ हिस्सों में और झारखंड में कहीं कहीं पानी बरसा। पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का इलाकों और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं पानी बरसा। कोंकण और गोवा के भी कुछ हिस्सों में और विदर्भ में कुछ एक इलाकों के अंदर बारिश देखी गई। आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों और मराठवाड़ा में गिनी चुनी जगहों पर बरसात हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं पानी बरसा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में बारिश हुई। तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट इलाकों में वर्षा हुई है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर स्थानों पर बारिश देखी गई। केरल और लक्षद्वीप के भी कई इलाकों में बरसात हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसे। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, और सबसे पहले जानेंगे कैसा रहा अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश में गिने चुने स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। तथा आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम पारा 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी कई हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि देखने को मिली। इसके विपरीत सिक्किम में कई स्थानों पर अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे देखने को मिला। गुजरात के भी कई हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के कई इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। विदर्भ के कई हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश के मंडला में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मेथी की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अभी आएगा। अरे बोलो ना मां कब आएगा। बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं मां, हमारे घर नल से जल कब आएगा। अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच तुम्हारे मुँह में घी चक्कर। घी चक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुँचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। राजस्थान और गुजरात में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे करे कृषि कार्य, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में मूंग की कटाई करें, यहीं काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करते रहे। अभी तिल की कटाई कर ले, साथ ही बाजरे की कटाई कर सकते हैं।
इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, सरसों की बुआई करते रहें। इसके अलावा ग्वार की कटाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई कर लें। राजस्थान में मटर की बुआई करें, इसके साथ ही गाजर और मूली की बुआई भी कर लें। किसान पालक भी बोए, वहाँ मेथी और लहसुन की बुआई करें। गुजरात में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से खरपतवार निकालें, वहाँ धान के खेत में निराई भी करें। किसान गन्ने की रुपाई कर लें, गन्ने के खेत में सिंचाई भी करते रहें। यहाँ भिंडी के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके साथ ही बैंगन और टमाटर की रुपाई कर लें, टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में निराई कर लें। गुजरात में लाल मिर्च की बुआई भी करें। अभी लोबिया के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। किसान अरहर के खेत से घास फूस निकाल लें। गुजरात में केले के खेत में सिंचाई करें। केले के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। ये तो बात हुई खेती किसानी के बारे में। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। रबी के फसलों में मेथी की अपनी अहमियत है। इसकी खेती पूरे देश में की जाती है, फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी अच्छी बुआई होती है। इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है। पत्तियों को उपयोग सब्जी के लिए किया जाता है और बीज का उपयोग मसाले के रूप में। हालांकि मेथी की बुआई सितंबर अक्टूबर में करना बेहतर है, लेकिन देर होने पर नवंबर में भी इसे बोया जा सकता है। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही पादा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में एक हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगता है। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और दो महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उपधा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चुड़ैल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृद्यु रोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4 से 5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। एक हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। और अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। तमिलनाडु में कपास की बुआई कर सकते हैं किसान। कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। तमिलनाडु में मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। तमिलनाडु में ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। मूंगफली की बुआई के लिए समय उचित है। अभी उड़द में कीट लगने की आशंका है। उड़द में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। तमिलनाडु में धान की रोपाई कर ले किसान। धान के खेत में 2.5 का जल स्तर बनाए रखें। तमिलनाडु में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें।
और मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। कर्नाटक में कुसुम की बुआई कर सकते हैं किसान, गन्ने की रुपाई के लिए सही समय है। कर्नाटक में सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। अरहर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। कर्नाटक में अरहर में निराई करते रहें। धान के खेत से घास फूस निकाल दें। कर्नाटक में ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। ज्वार के खेत से खरपतवार निकाल दें। कर्नाटक में काबुली चने की बुआई करते रहें किसान, काबुली चने में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। कल गुजरात, विदर्भ और 2 दिन कोंकण गोवा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। कल तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। 2 दिन आंतरिक कर्नाटक और केरल में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। कल दक्षिण पूर्वी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंगल करता अंतर्यामी रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज है परम देव है सबके मिटाए
कष्ट कलेश। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं माने। तो आप क्या चाहते हो, ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और ये दूसरी बार कर रहे हो तुम। मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या ये क्यों कर रही हो, ठुमरी क्यों गा रही हो? कि हमारी बातचीत में ठुमरी कहाँ से बीच में आ गई? ठुमरी गा के तुम संस्कृति और सभ्यता की देवी बन चुकी हो। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारागाहों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा।
अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। भारत सरकार की इस योजना से हर किसान बहुत लाभान्वित है और बहुत खुश भी है। और जितना हम लोग काम कर रहे हैं इस पे और फोकस कर रहे हैं, हम छोटे से छोटे और जितने भी किसान हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बीमा जरूर कराइएगा और उसको अपनी लागत से ही जोड़ें। जिस खानदान में ब्याह कर आई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के लिए अनिवार्य किया है तो सभी के खेत में जाकर जो सुपरवाइजर है या और भी कृषि पर्यवेक्षक है वो जाकर उसके खेत में से मृदा का परीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट उनको लाकर देते हैं, जिससे उसकी मृदा के बारे में उसको जानकारी देते हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है, कौन से पोषक तत्व इसमें डालने हैं, कौन सी फसलें इसमें लगानी हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे किसानों का फायदा होगा। जिस खानदान में ब्याह कर आई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी। बदलते भारत की शान।